वेलकम टू माय चैनल अनीश वांश। और शास्त्री, बस आज मैं आपसे ये एक बात पूछने लगा हूँ कि आपका नया क्या है, नए क्या विचार है, नया क्या बताने वाले हो, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक क्या है नया? देखो ये आज का जो टॉपिक है, ये नया साल आने वाला है 2024, है ना, 2023 चल रहा है। तो बहुत ज्यादा लोग रेजोल्यूशन रखते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में के बारे में बात करना चाहूंगा। सभी का होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। देखिए शास्त्री जी, जैसे मैं तो ये कहूंगा कि साल हर दफा बदलते हैं, लेकिन इस बार हमें सभी को अपने आप को बदलना चाहिए, तभी हमारी लाइफ बदलेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए, और इस तरह से बदलना चाहिए कि लोग हमें अलग तरीके से पहचाने। मतलब जो पिछली बार था उससे लग नया कुछ हो कि अच्छा जी शर्मा जी तो वाह, नया कुछ है ना, ऐसा हो जाए। मतलब कि जो हमारा जो आने वाला साल है पिछले साल से कुछ बेहतर हो, उसके बारे में हमें कुछ काम ऐसे करने चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में हमें जो पिछला साल है उसको इस तरफ भी देखना चाहिए कि उस साल में हमने क्या गलती की और हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए कि ऐसा लगे कि हमें भी लगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं और उस गलती को सुधार रहे हैं जो हमने पीछे की। हमें नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं है कि हमें नहीं पता होता उस बात का, हमें नहीं पता होता कि हमें ये किया, ये हमें आगे नहीं करना चाहिए। नए साल में नए तरीके से, नए ढंग से, नई सोच से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मैं एक बात और समझता हूँ, गलती भी करना कोई इतनी गलत नहीं है, लेकिन हम ना कई दफा हम डिसीजन नहीं लेते, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपसे गलती हो, अगर हम उस गलती से हम कुछ सीखते हैं, उसमें सुधार कर लेते हैं, कई दफा सही डिसीजन ना करने के कारण भी हम फेलियर होते हैं। वो ही गलती है ना कि हमने डिसीजन सही नहीं लिया, लेकिन आगे से हम ले सकते हैं। और कई दफा हम डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं करते, और कई दफा बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये मेरे कहने का मतलब है। और कई दफा हम डिसीजन नहीं ले पाते और जो कामयाबी हमें मिल सकती है वो नहीं मिलती, क्योंकि पिछले साल को देखो ना, पूरा एनालाइज करो उसको, देखो कि कहाँ कहाँ हमारा ये सारा हुआ, और ऐसे भूल जाओ फिर नहीं होता। नहीं, ये मैं भी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये कहने वाला, पिछले साल से हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं पिछले साल से कुछ सीख कर। और शास्त्री जी, सभी के चार रेजोल्यूशन होते हैं न्यू साल में, और जैसे एक फिजिकल हो गया है ना, एक फाइनेंशियली हो गया, बाकी रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल, तो ये सभी के गोल होते हैं, लेकिन इन पर हमें वर्क करना पड़ेगा तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, नया नया हम करेंगे, नई सोच लाएंगे, तो एक नया जिंदगी में नया मोड भी आता है, और जैसे एनर्जी हो जाती है ना शरीर में कि अच्छा हमने ये करना है, सोच ही है ना, सोच अच्छी सोच रखेंगे तो बिल्कुल आगे। और आपको ये याद रखना चाहिए, पिछले साल कई लोगों, जैसे हम कोई बड़ा काम करते हैं, कई लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते, और आपको ये याद रखना चाहिए कि आप ही कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ये बात अपने दिमाग में रखिए और करके दिखाइए। यू कैन डू, हाँ, सभी आप और मैं, या आप कर सकते हो, है ना। और हाँ, और आपको ये जो उनको जरूर याद रखें जिन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते, आप करके दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए, और लोग कहें वाकई यार इसने तो कर लिया। हाँ। वो उस बात को सोचेंगे कि यार हमने इसको ये ऐसे बोला था तो ये कैसे हो गया, क्योंकि हाँ, उसने करके दिखाया, उसने मतलब हमने हम ये बात सबके लिए है। हाँ जी, और बाकी जो नेगेटिव पीपल आपके साथ जुड़े थे पिछले साल, उन्हें तो निकाल दीजिए मेरे हिसाब से अपनी लाइफ से, जो आपकी तरक्की में बाधा है, जो आपका सहयोग नहीं करते, उन पर टाइम वेस्ट ना कीजिए। मेरे ये आदमी सोचे ना बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचे कि जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं, नकारात्मक वाइब्स आती है यहाँ से, वहां से हटना बेहतर होता है। हाँ, क्योंकि वो आपकी तरक्की को रोकते हैं मेरे ख्याल में। देखो हम अगला कदम बढ़ाते हैं, हाँ जी, हाँ। तो देखते हैं कि अगला कदम हमें यहाँ रखना के गड्ढा तो नहीं है, हाँ जी, हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे आंखें बंद करके चलते रहो तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, अपने गोल को सेट कीजिए और उसकी तरफ कदम बढ़ाइए,
देखो सपना लेना शास्त्री अच्छी बात है, हम सपना लेते हैं हम अमीर हो जाए, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, जो कोई मोटा सोचता पतला हो जाओ है ना, जिनके रिलेशनशिप में कोई नहीं है सोचता रिलेशनशिप में जाना चाहता है लेकिन अब कोई कैरियर बनाना चाहता है लेकिन उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, तो पहले गोल सेट कीजिए और उस पर कदम बढ़ाइए, आप यात्रा शुरू करेंगे तभी आप मंजिल पर पहुंचेंगे ना। बिल्कुल, ऐसे बैठ के सोचते रहना कि मैं ये भी कर लूंगा ये भी ऐसे हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको कुछ ना तो कुछ आगे और बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। हाँ जी, और मैं तो एक शास्त्री और बात सोचता हूँ, जैसे आप वो चीज चुने जिसका कोई विकल्प ना हो। आप हाँ मतलब ये मत सोचिए अगर मैं ये करना चाहता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। विकल्प रहित गोल चूज कीजिए और उस पर डट जाइए। बिल्कुल, आदमी को जीवन में कई तरह के, और जीवन मिला किस लिए, इसलिए मिला, जीवन मिला है तो इसमें अलग अलग आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग चीजें कर सकते हो, करना भी चाहिए लेकिन तब तक करनी चाहिए जब तक आपको लगे कि इसमें है, नहीं तो फिर और रास्ते बहुत हैं। हाँ जी, और आपकी राय में कुछ अपने, ये तो मैंने अपने विचार दिए, कुछ अपने आप दिए 2024 के रेजोल्यूशन, हमें कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। देखो जो जिसके ड्रीम है सपने है, जब मैं ये करना चाहता हूँ, देखो सन तो एक मतलब हमारे बनाए हुए हैं कि ये सन आ गया ना, लेकिन वैसे अगर ना सोचे तो कोई सन नहीं है, तो ऐसे टाइम को सोच ले तब भी आज जो हम हैं एट प्रेजेंट, हमारा अभी तो है ना एट प्रेजेंट, वर्तमान, तो वर्तमान में सोचे कि हम कल क्या कर सकते हैं। चलो होता से एक बात पूछ रहा हूँ कि आपके और क्या शौक है, मतलब जैसे कोई गेम खेलता है, कोई ठीक है ना, किसी तरह की और लग चॉइस रखता है कि मैंने गेम में नहीं खेली, मैंने और है, या जिंदगी जो भी आपका शौक क्या मेरी बताइए। हाँ, प्लीज अपने शौक बताइए पब्लिक को पता लगे। हाँ देखो, मुझे सबसे ज्यादा शौक है म्यूजिक का, मुझे ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है। अच्छा, और ज्यादातर जैसे मैं फ्री टाइम हो तो सॉन्ग ही सुनता हूँ, जैसे मोहम्मद रफी, किशोर, सभी के पुराने जो सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये मेरी पसंद है जो गाने सुनना। नहीं, गाने सुनने पसंद है ते, लेकिन जो कोई आपका फेवरेट गाना है उसका कोई बोल है वो ही सुना दो। हाँ देखो, हाँ मैं एक 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 आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ, सॉन्ग जो पुराने जमाने में सॉन्ग कैसे बनते थे। जैसे हम लोग मिलते हैं तो हम जब भी जाने कहते हैं भी चलो अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कहते हैं फिर कब मिलोगे, गाना अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, ठीक है ना। तो ये सॉन्ग जो बनने का ना एक किस्सा है, जो पहले जो फिल्मों में सॉन्ग बनते थे ना शास्त्री जी, बड़ी मेहनत से बनते थे। जे ओम प्रकाश आन मिलो सजना मूवी बना रहे थे, तो जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो एक दिन मिले तो आनंद बख्शी साहब वो भी वहां थे, जे ओम प्रकाश जो ऋतिक रोशन के दादाजी और राकेश रोशन के फादर हैं, तो सुबह के वो आकर जैसे ऑफिस में बैठ गए भी सॉन्ग हमने बनाना है, तो सारे बैठे रहे, वो आनंद बख्शी जी लिखकर कुछ दे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, तो उन्हें पसंद ना आए, वो गाकर सुना रहे, बात बड़ी नहीं, पूरा दिन लग गया ऐसे ही बैठे रहे सॉन्ग नहीं बना, तो लास्ट में थककर आनंद बख्शी साहब कहते जैसे मैं वो अच्छा शास्त्री हम चलते हैं, वो कहते अच्छा जी अच्छा तो हम चलते हैं, तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा फिर कब मिलोगे, कहते कल नहीं परसों मिलते हैं, तो वो कहते चलो ठीक है परसों नहीं। फिर उसी वक्त उनको एकदम दिमाग में आया ये तो सॉन्ग बन रहा है, कहते बैठिए सॉन्ग बनाते हैं, फिर उन्होंने सॉन्ग बनाया अच्छा तो हम चलते हैं, कहते फिर कब मिलोगे, कहते कल मिलोगे या परसों, कहते परसों नहीं नरसों, ये जो शब्द है नरसों ये आनंद बख्शी जी ने इजाद किया, शब्द शायद नहीं है हिंदी में, तो ये किस्सा मुझे बहुत प्यारा लगा। आपको क्या पसंद है, मतलब जो आपने हाँ शुरू में बोला था कि अगले साल के लिए कुछ करना है। हाँ जी, तो मतलब ऐसा कुछ होने वाला है
जैसे आप नया नया कुछ करने वाले हो नए साल। हाँ तो हाँ तो नया साल में नए ग्लोब जैसे, और 2024 जो आने वाला है, आप थोड़ी उसकी फोरकास्ट करें, हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा। बिल्कुल, ये आप बताइए हमें, क्योंकि हम अलग अलग तरह से आप लोगों को वो चीजें ब्लॉग में दिखाना चाहते हैं कि जैसे आप सुजेशन दोगे कि ये बिल्कुल वाला ब्लॉग बनाओ ऐसा, तो ब्लॉग में होता ही यही है, बिल्कुल बिल्कुल और आप बताओगे थोड़ा सजेस्ट करोगे, क्योंकि विदेश का तो और हम ये सोचते भी नेक्स्ट जो वीडियो 2024 में और अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट आपके लिए लाए, और अलग सिटी में अलग स्टेट में और अलग कंट्री में भी जाकर है वो वीडियो विदेश बनाए, का विदेश का शौक भी विदेश में और विदेश में भी वीडियो बनाए। और पिछली वीडियो मैंने आपको पासपोर्ट के बारे में बनाई थी, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू लगातार शास्त्री बढ़ रही है, तो मैंने चार कंट्री बताई थी जो मैंने बताई थी, एक क्या था थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, जो अभी रिसेंटली इन्होंने वीजा फ्री किया, और अभी आने वाले टाइम में दो कंट्री और जुड़ रही हैं। अभी हम उसके बारे में नहीं जस्ट करेंगे, मैं वैसे लेकिन नए वो साल जब आएगा तब तब हम देखेंगे। करेंगे, हाँ पर तो तो हमारे हाथ में नहीं है नहीं है, वो। तो अभी जैसे सुना कि कीनिया और जैसे एक हाँ कीनिया और इंडोनेशिया भी शायद वीजा फ्री इंडिया के लिए करते हैं। देखो वो तो जब चलो वैसे आएगा जैसे हम वैसे हम हमारे बातचीत कर रहे हैं। हाँ हमारे तो नहीं लेवल की बातें नहीं है ना, हमारे पास नहीं तो ऐसे जो और अथॉरिटी आए है, हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, हम हमारे लिए, हम इसके वहां लिए जाकर ब्लॉग बनाएंगे ना, जितने कंट्री बिल्कुल वीजा फ्री बिल्कुल होंगे हमें जाना इजी होगा, टिकट ली, होटल बुकिंग कराओ, आप चले जाओ। ये और विदेश की बातें मुंह से निकलती है, विदेश हाँ का है, और नए साल में जैसे आप नया गोल सेट कर रहे हो तो लग रहा है हाँ ये आपका रेजोल्यूशन विदेश अपना का भी है। हम विदेश में जाकर वीडियो बनाए, ये हमारा जो हमारी कोशिश रहेगी, बिल्कुल और न्यू न्यू ब्लॉग और न्यू कल्चर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा नए न्यू साल ईयर में, में। हाँ नए साल न्यू में कल्चर, जो आपने कल्चर नहीं देखा होगा वो कल्चर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल ये और जरूर जल्दी ही ब्लॉग आएंगे और न्यू साल में शायद जैसे कि मार्च तक आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा। चलो हाँ चलो वो तो हाँ ठीक है, तो शर्मा जी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, हाँ जी हाँ और जी शर्मा जी के साथ हम ये मैं बात करना चाहूंगा कि शर्मा जी एक ब्लॉग तो वीकली हम लोगों को जरूर दिखाएं, हाँ जिसमें नए नए जैसे आप चीजें बताते हो, ये भी हो रहा है ये भी हो हाँ जी रहा है, हाँ ऐसा जी आप कुछ बताते और रहिए। हाँ मैं हाँ हर वीकली हमारा ब्लॉग आएगा, और आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताया कीजिए कि आपको ब्लॉग हमारा कैसा लगा और आप क्या आगे देखना चाहते हम हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम लंबे टाइम के लिए आपको अलग अलग ब्लॉग बनाए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कई बार परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो बनाता रहता है। आज तो हमारा यही था भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा, और मैं तो यही फिर कहूंगा अपने न्यू साल में, क्योंकि न्यू साल फिर भी सभी हम रेजोल्यूशन रखते हैं, हमने ये करना जो करना उसके बारे में आप वर्क कीजिए और लाइफ में कामयाब होइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा शास्त्री जी, और इधर उधर मत देखिए, लोग जो आपका साथ देते हैं उन लोगों के साथ आप चले, और जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें आप पीछे छोड़ ही दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आगे निकलिए लाइफ में, आगे निकलिए, मैं तो यही कहूंगा लेते तो आप सबसे विदा लेते हैं हैं। तो और श्री जी आप और नया साल आपके लिए भी अच्छा हो, नमस्कार। नमस्कार जी।